जी मैं बहुत लकी हूँ कि संजय सर ने मुझे इस गाने के लिए चूज़ किया। ये गाना अपने आप में ही हिस्ट्री है। अलबेला सजन आयो रे, हम दिल दे चुके सनम में ये मूवी में थी पहले, एंड सेकंड टाइम ये मुझे मिला, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विद संजय सर? या छोटी सी स्टोरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं शशि सुमन एंड शिवम पाठक, ये लोग मैरी कॉम का म्यूज़िक कर रहे थे। तो समहाउ वो लोग, उन लोगों ने गाना कंपोज़ किया था, तो उन्होंने बोला कि पायल आप ये गा दो ना, ज़रा आप गाओ, मैं सुना देता हूँ, हो सकता है उनको पसंद आए तो फिर आपकी वॉइस रह जाए। इंडस्ट्री में तो मतलब ये होता ही रहता है लाइक। तो मैंने फिर गाया, तो फिर उन लोगों ने सुनाया, जो को प्रोड्यूसर थे मूवी के संदीप सिंह, तो पहले उनको सुनाया, तो उनको बहुत पसंद आई वॉइस, तो फिर उन्होंने संजय सर को भी सुनाया उन्होंने। तो मैं इस तरह से जुड़ी संजय सर से। फिर सर को समहाउ वो सॉन्ग तो रहा नहीं था, बट मे बी सर ने मुझे किसी, हो सकता अलबेला सजन के लिए ही रखा होगा मेरी वॉइस को, मे बी उन्होंने ध्यान में। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे संजय सर के ऑफिस से कॉल आया कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मतलब कोई सॉन्ग है तो वो आपके साथ, वो आपकी वॉइस में सुनना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, फिर मैं गई वहाँ सर के ऑफिस, फिर मैं खुद ही बहुत नर्वस थी, सर से मिली फर्स्ट टाइम, संजय सर थे, संदीप भाई थे, ये लोग सब लोग थे, तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो उन्होंने फिर गाने की ट्यून बताई, तो मैंने थोड़ा गा के सुनाया, तो बट फिर भी एक नर्वसनेस थी कि सर के सामने कैसे गाऊं, क्योंकि इनके सामने गाना बहुत बड़ी बात है, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बेसिकली। तो सर को बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस किया, उनके ऑफिस में ही गई तो फिर सुनाया, तो उनको बेसिकली बोला टोन तो बहुत अच्छा जा रहा है, आप मुझे एक रिकॉर्ड करके ये भेज दो, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी वॉइस में ये आफ्टर रिकॉर्डेड वो कैसा आपकी वॉइस में साउंड कर रहा। तो मैंने गा के भेजा सर को, तो मुझे वहाँ से फिर मतलब उन्होंने रिप्लाई करवाया कि सर को, सर एक्चुअली रियली लाइक्ड योर वॉइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना ही बोला था मुझे। तो मुझे लगा होपफुली कि शायद से मेरी वॉइस फाइनल है, तो आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट।